यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे घर में जो है टोटल तीन बाथरूम है, तीन मेरे साथ गिनो, एक दो और ये तीन, लेकिन कोई ये बताए तीन बाथरूम होने का फायदा क्या है जब सबको नहाना ही तीसरे बाथरूम में होता है। ये डिजाइन के लिए बनाए हैं क्या, जब करना ही एक बाथरूम इस्तेमाल है तो बनाए हुए क्यों है तीन, मुझे को तो समझ में नहीं आती भाई ये वाली बात। भाई वो कमरे बड़े कर देते, कमरे बड़े कर देते ज्यादा बेहतर होता। जो ना अभी देख रहे हो मेरी ये जगह, ये जो खींच रही है वाली, ये एक बाथरूम के ऊपर ये बाथरूम बना हुआ है और ये वहां पे उसके नीचे यहाँ पे बना हुआ है, फिर उस कॉर्नर पे एक बना। अरे मतलब यार बंदा बोले, बनाने वाले ने क्यों बनाए, अजीब यार बंदा क्या ही बोले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धूप हो रही है इसने आँख बंद कर ली रही है। अच्छा सारी बात भी बाद में, लेकिन सबसे पहले एक बात कर लेते हैं। हाँ नहीं, जुम्मा मुबारक वाले स्टेटस की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं समझो कि जुम्मा मुबारक की स्टेटस की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि यार आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन करना है, इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब में तो बहुत मुश्किल है, तो कहीं इसको पास करना और जवाब देना है। सवाल आज का ये कि ना आप नहा रहे हो और आपके हाथ से गलती से साबुन फिसल के गिर गया है, वो साबुन जो है ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन गंदी हो जाएगी या साबुन पाक हो जाएगा, है ना बड़ा मुश्किल सवाल। तो ये जवाब आप लोगों ने देना है, आज का ये सवाल है, ठीक है। तो सवाल का जवाब बड़ी मुश्किल से हमें खास है कोई दे पाए, यू नो वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मजाक करता हूँ, मजाक बात में तो वेलकम होता आज के इस व्लॉग में आप लोगों का। आज का मौसम आप देख सकते हो कि कराची का कितना अच्छा हो रहा, बाकी का तो मुझे पता नहीं, जहाँ मैं तो कराची में रहता हूँ तो मुझे कराची का ही पता है, क्योंकि देख सकते हो भाई कितना VIP खूबसूरत मौसम हो रहा है। इसके अलावा वो वाला एक वीडियो वायरल हुई थी साउंड ग्लेस की, साउंड ग्लेस वाली लड़की है, उसने कहा था मौसम हो रहा है, मौसम हमको दिख रहा है, इसमें हैशटैग की चार डंडी निकाल के आपकी मुँह में घुसेर देंगे वो वाली वीडियो। तो बिल्कुल मेरा भी वही बोलने का दिल कर रहा है कि वाकई में मौसम बहुत औसम हो रहा है, हैशटैग औसम है मौसम का स्टेटस लगा देना चाहिए। अल्लाह करे यार बारिश हो जाए, वैसे सारी बातें एक तरफ, अल्लाह करे अगर बारिश हो जाती तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाएगी और इससे ज़्यादा अच्छी क्या ही बात होगी। तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तो, वैसे भी टाइम है यूनिवर्सिटी में निकलने में, मैं बचा आधा घंटा और अल्लाह करे अगले 5-10 मिनट बारिश हो जाए। बादल तो आसमान में यार ये नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, धूप इतनी आँखों में पड़ रही है, चलो पसीना एक अलग अलग चमक रहा है मुँह, देखो पसीने से मुँह अलग अलग चमक रहा है, ये भी अलग एक फ़न है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, अगर बारिश अभी नहीं होती ना तो बारिश तो होनी है, अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब हूँ ना, जब बारिश हो जाएगी जब मेरे से आने के लिए मुश्किल हो जाएगी, ये एक अलग ही मतलब एक बहुत बड़ी लॉजिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा है और कल का व्लॉग जिसने नहीं देखा जाके पहले व्लॉग देख लो, कल वाला व्लॉग जिसका नाम मिर्जा खासी थी, टोटल हम लोगों ने दो व्लॉग बनाए थे, कल एक अपलोड करा उससे पहले 7 दिन पहले एक अपलोड किया था, दोनों ही एंड किस्म के व्लॉग हैं, VIP किस्म के, जाके देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो मुन्नी है ना उनसे बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा हुआ है, वो व्लॉग बहुत टाइट बना हुआ है। अच्छा जी, और अभी मैं इससे छत पर आके व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि छत पर जो मौसम बड़ा खूबसूरत होता ना तो ना इससे छत पर बनाया, वरना मेरे पास इतनी एक टावर की जगह होती है या फिर टावर की जगह नहीं होगी तो बना एक जगह वो होगी बड़े कमरे की जगह होगी, बाकी जब कमरे के अंदर लाइट ही दे रहा हो, लाइट तो है लेकिन वो लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है और मैं लाइट बंद करूँ तो गायब हो जाता हूँ, तो इसलिए जो है रोशनी में व्लॉग बनाना पड़ता है बाहर जाके। अच्छा भैया अभी बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ओवर हो गया है, मेरे को देर हो रही है, निकलने वाली करता हूँ और बाहर जाने उसी की व्लॉग बनाएंगे, ठीक है भाई ओके। क्या चीज़ क्या चीज़ टाइलर क्या चीज भाई, अज्यूर्ड नहीं है हमारा, ठीक है ना, और हेडो नहीं है, एक्स भी नहीं है, और ये प्लस प्लस क्या है, ये प्लस प्लस की चीज़ ये प्लस 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 पता नहीं है, और ये आर क्या है, आर तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट वाले हैं, ये है तो बता तो दे कितने, ये एस भी नहीं है, वो ये चाचा क्या बोल रहा है ये कह रहा है ASP 2.0 करियर प्रोग्राम कर लो, मतलब मेरा कोई पता ही नहीं है, मैं हूं ना दुनिया में, शोर मचाना बंद करो, मैं वीडियो व्लॉग बना रहा हूं, टट्टी देखी है आप लोगों ने, सही से ऐसा कर देखी है आपने, टट्टी देखी है आपने, मेरा गधा टट्टी गधा, मतलब टट्टी घर के तो जा पड़ते हैं दुरुस्त नहीं कर मार दिया मम्मा मार दिए। अच्छा भाई मैं घर पे वापस आ चुका हूं, ये यूनिवर्सिटी से, और आज मम्मा ने घर में बनाई है बिरयानी, नहीं बनाई अधूरी है अम्मा, मैंने भूख लगी, अल्लाह की कसम सुबह से कुछ नहीं खा के गया, तुमने अभी भी कुछ नहीं बनाया, ये सही बात नहीं है, बिल्कुल दोस्त नहीं है, अजीब और बरकतें करो, मतलब क्या बात हो गई, मैं भूख लगाई तुमने बिरयानी बनाने का, नहीं था भूख लग रही, तुमने मेरा बिरयानी बनाई नहीं, तो तरह एक घंटा डेढ़ घंटा हो जाएगा बिरयानी बनाने का, मुझे इतनी सीधा से भूख लग रही है, आधा घंटे तक निकाल जाएगा, मेरे को भूख लग रही थी, आधा घंटा भी हो जाए, आप देखो ना पूरी टाइम बढ़ जा रहा हूँ, सुबह भी तुमने खाने बना रखी तो ऊपर उड़ाती हो, खाना भी तुम राशन नहीं देती है, रात को मैंने कहा तुझे तू गप्पे लगा के सो, लो भी लोग नहीं मैं मैंने मैंने अभी क्या मतलब ये क्या तुम ये बात करो ना, क्या दूसरी बातें देख रहे हैं आपके बीच में, तो वही तुम खाना
पहले टाइम से उठता हूँ, सुबह में उठ जाता हूँ, तुम दिमाग पर रखो हो जीवो कर अपनी बात कर रही है, अपनी बात कर रही है वो जो दो तीन दिन में कब्ज होती है ना उसके बाद जो आती है ये वो है दो तीन दिन का कब्ज आती ना उसके बाद ये वो मतलब आराम अगर तसली से आप देखो मैच कर सकते हो साइड बाय साइड ना, पहले आप वो करो उसके बाद इसको रख के मैच करो सेम टू जब आपको हिल जाएगा बता कौन किसकी बात करो भाई ये वो ही है भाई मैं बता रहा हूँ ना मेरी करी हुई है ये शर्मा भाई ये चीज़ देखो ये हमारे एक छोटे से बच्चे ने क्रिएटिव माइंड के साथ ऐसी वीआईपी क्रिएटिविटी दिखाई है फसी अहमद खान अबू फसी अहमद खान प्लीज कम ऑन द स्टेज तो क्रिएटिविटी दिखाते हैं ये फसी के पापा हैं जावेद शाह इलियासी जो कि पतंग उड़ा रहे हैं और ये फसी का बड़ा भाई है इजान अहमद इलियासी कहाँ है वेयर इज इजान ठीक है पतंग उड़ाते एकदम इन्होंने एक ही पतंग पर दूसरा टांगा मार दिया तो इससे पावर अप हो गया पावर अप क्या हुआ खुद कहते हैं बहुत सारी पतंगें बन गई तो ये आपको जो टैलेंट है ना इनके सारे के बच्चों में मिल सकता है सिर्फ बस होता ही नहीं इधर आ जाओ भाई फसी अपना ना तारुफ करवाया अगर इस तरह की क्रिएटिविटी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और क्रिएटिविटी मिलती रहेगी वैसे देखा जाए तो आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन के आज दूसरे दिन भी मौसम कितना अच्छा बारिश का ही हो रहा है लेकिन बारिश नहीं होकर जरिए बारिश ने कहना होना ही नहीं है भाई हमने खामा खामे हमसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हमने होना ही नहीं है बारिश होगी ईद के पहले दिन बारिश में तो मैं बता रहा हूँ या तो चांद रात को होगी या तो ईद के पहले दिन बारिश जाने कन्फर्म है मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म है पहले दिन नहीं तो अगर दूसरे दिन तो लाजमी होगी ईद पे बारिश होना होना ज़रूरी है मैंडेटरी है भाई आप इसको आप नहीं बोल सकते आप इससे मुंह नहीं फेर सकते एक 14 अगस्त वाले दिन और एक ईद वाले दिन बारिश लाजमी होती है ये पाकिस्तानी आवाम को पता है और एक इन्होंने अलग जीना हराम करके रखा है पीटीसी वालों ने इनका नेट ही नहीं चल के देता जब देखो जब इनका नेट के सिग्नल चले जाते हैं समझ में नहीं आता था दिमाग खराब देख ले जा रहा है तो फेंक के मार दो लेकिन अभी फेंक के मार नहीं सकते क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इसका नेट चली जाना लेकिन सुबह से बंद है थोड़ी देर पता नहीं इनकी पूरी कब होगी मेरा नहीं ख्याल थोड़ी देर इनकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है क्योंकि सुबह से तो नेट ऑलरेडी बंद ही और पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा देर वो जरूरी नमाज करने वाले नमाज पढ़ने चलते हैं पहले नहाने जाएँ फिर नमाज पढ़ने आज का ब्लॉग फिर यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फिर बोला किसी नई वीडियो को जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।